अभाज्य गुणनखंड भी से निकालना है तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसको सम संख्या है चौंसठ तो हम दो से भाग करेंगे दो तीन छः दो चार अभी जब तक दो से भाग जाता जा रहा है हम इसको दो से भाग करते जाएंगे आप लोगों ने ये पिछले अध्याय में भी उसे सद्या हैं बहुत सारे इसके प्रश्न कर लिए हैं तो अब इसको मुझे पूरा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है जहाँ आवश्यकता होगी पूरा बताऊंगी चौंसठ के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसमें एक दो तीन चार पाँच छः छः बार दो आया है एक दो तीन चार पाँच छ अब इसमें तीन तीन के जोड़े बना लेंगे तो चौंसठ का जो वर्गमूल है यहाँ पर हम एक छोटा सा तीन लिखते हैं इस वर्गमूल के निशान के अंदर और यहाँ हो जाएगा इस तीन बार दो में से एक दो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर भी एक दो बाहर आ जाएगा तो ये चौंसठ का घनमूल जो है वो हो जाएगा दो दो चार और यही हो जाएगा हमारा आंसर अब इसी का दूसरा भाग है दूसरे भाग में हमें संख्या दी है 512। तो 512 का हम घनमूल निकालेंगे सबसे पहले तो इसके अभाज्य गुड़न खंड निकालेंगे 512 के ये हो जाएंगे हमारे सम संख्या दो से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दो दुनी चार अब यहाँ पर एक बचा दो पंच दस और ये दो छंग बारह पुनः दो से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा दो एकम दो दो दूनी चार दो अट्ठे सोलह पुनः दो से भाग करेंगे दो छंग बारह दो चौको आठ अब चौंसठ जैसा भी हमने ऊपर किया था सेम टू सेम वही सारे गुणनखंड इसके आ जाएंगे चौंसठ में छः बार दो आया था तो अभी हम आपको वो भी दिखा देते हैं दो तीन छः दो दूनी चार यहाँ पर सोलह दूनी बत्तीस आठ दूनी सोलह दो चौको आठ दो दूनी चार और ये हो जाएगा हमारा दो एकम दो इस तरह से इसमें 512 में दो आया है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ बार दो आया है तो हम 512 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ यदि आपकी कॉपी में जगह है तो आप एक ही लाइन में लिखिए अब यहाँ पर हम तीन तीन के जोड़े बना लेते हैं तो 512 का जो घनमूल है वो हो जाएगा हमारा दो गुणा दो गुणा दो तो आंसर आ जाएगा हमारा दो दूनी चार चार दूनी आठ ये आ जाएगा आंसर आप लोगों को ये आंसर के हेडिंग डाल के जरूर शो करना है कि आंसर क्या आया है भाग तीन में हमें संख्या दी है दस हजार छः सौ अड़तालीस तो यहाँ पर हम दस हजार छः सौ अड़तालीस लिख लेंगे और इसके अब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड ये थोड़ा सा दूर लिख गया है आठ अब हम निकाल दें इसके अभाज्य गुणनखंड। तो इसको सम संख्या दो से भाग करेंगे तो ये जाएगा हमारा दो पंच दस दो तीन छः दो दूनी चार दो चो को आठ पुनः दो से भाग करेंगे तो ये दो दूनी चार दो छंग बारह दो छंग बारह दो नहीं चार दो एकम दो दो तीन छः दो तीन छः दो एकम दो अब ये जो तेरह सौ इकतीस है इसको आप तीन से तो दे ही नहीं सकते क्योंकि अंकों का युग तीन से विभाजित नहीं है तीन और एक चार 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 आठ ये नहीं है तीन योग विभाजित तो ये तीन से नहीं जाएगा सात से भी मैंने ट्राई किया है नहीं जा रहा है नौ से भी ट्राई किया नहीं जा रहा ये जा रहा है ग्यारह से तो आप लोग इस तरह से याद रखिए ग्यारह सौ इकतीस का जो घन होता है वो तेरह सौ इकतीस होता है एक सौ इक्कीस बार जा रहा है पुनः ग्यारह से करेंगे तो ग्यारह ग्यारह का वर्ग होता है एक सौ इक्कीस तो आप लोग इस तरह से इसका घन याद रखिए तेरह इक्कीस होता है ग्यारह का इस तरह से इसमें ग्यारह आ जाएगा तीन बार तो दस हजार सौ अड़तालीस के जो अभाज्य गुणनखंड है हम उनको लिखेंगे इसमें तीन बार दो आया और तीन बार ग्यारह आया है तो हम लिखेंगे दो गुणा दो गुणा दो गुणा ग्यारह गुणा ग्यारह गुणा ग्यारह अब इसमें हम तीन तीन संख्याओं के जोड़े बना लेंगे जो सम, एक सी संख्याएं हैं उन्हीं के तो ये हो जाएगा दस हज़ार छः सौ अड़तालीस यहाँ पर लिख देंगे छोटा सा तीन और ये हो जाएगा ग्यारह दूनी बाईस इसको मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है इस तरह से ये हो जाएगा इसका आंसर चौथे नंबर पर हमें संख्या दी है सत्ताईस हजार तो सत्ताईस हज़ार के हम सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ये सम संख्या है दो से भाग चला जाएगा दो एकम दो यहाँ आ जाएगा पैंतीस और ये वाले दो शून्य आ जाएंगे पुनः दो से भाग करेंगे दो छंग बारह दो सत्ते चौदह दो पंचे दस दो शून्यम शून्य सुन। पुनः दो से भाग करेंगे दो तीन छ दो तीन छः दो सत्य चौदह दो, दो पंचे दस अब यहाँ पाँच आ गया तीन से देकर दे के देखते हैं ये तो तीन तीन छः छः और सात तेरह और पाँच अठारह तीन से भाग चला जाएगा तीन एकम तीन तीन एकम तीन तीन दोनी छः तीन पाँचे पंद्रह अभी ये फिर से तीन से जाएगा क्योंकि ये पूर्ण घन संख्याएँ हैं तो जो संख्या से एक बार जा रहा है जिस संख्या से उससे तीसरी बार भी जाएगा तो तीन तीन या नौ यहाँ पर शेषफल बचा दो तीस इक्कीस और ये हो जाएगा तीन पाँचे पंद्रह अभी ये एक बार और जाएगा तीन से तीन एकम तीन तीन दूनी छः तीन पाँच पंद्रह अब एक सौ पच्चीस आ गया ये तो तीन से जाएगा नहीं इसको हम पाँच से भाग करेंगे पाँच दूनी दस पचम पच्चीस पच्चीस भी सिर्फ पाँच से ही डिवाइड होता है ये हो जाएगा पचम पच्चीस और ये आ जाएगा पाँच एकम पाँच तो इस तरह से सत्ताईस चार के जो अभाजी गुणन हैं वो हम लिख लेंगे ये हो जाएंगे तीन बार दो आया है तीन बार तीन आया और तीन बार पाँच आया है हम लिखेंगे दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ये भी सही माना जाएगा और यदि आपकी कॉपी में जगह है तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं पूरे गुणनखंड ये तीन तीन के हम जोड़े बना लेंगे तो सत्ताईस हजार का जो घनमूल है वो हो जाएगा हमारा दो गुणा तीन गुणा पाँच ये हो जाएगा हमारा दो तीन छः पंची तीस तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा तीस आप पांच में हमें संख्या दी है पंद्रह हजार छह सौ पच्चीस इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएंगे तीन से दे करके देखते हैं अंकों का योग देख लेते हैं पाँच और एक छः छः और छः बारह बारह दो चौदह और पाँच उन्नीस तो ये तीन से तो भाग नहीं जाएगा इसको हम देंगे पाँच से भाग तो ये हो जाएगा पाँच तेरी पंद्रह पाँच एकम पाँच पाँच दूनी दस पचम पच्चीस पुनः पाँच से करेंगे इन क्वेश्चन में बस एक सुविधा हमें ये रहेगी कि हमें पहले से पता है कि ये पूर्ण घन संख्याएं हैं जो संख्या से हम पहली बार भाग दे रहे हैं उससे दूसरी और तीसरी बार भी भाग जाएगा यहाँ पर पांच से भाग देंगे पचक्का तीस पांच दूनी दस पचम पच्चीस पुनः पांच से जाएगा इसमें पाँच एकम पांच, पांच दूनी दस पचम पच्चीस अभी भी ये पांच से ही भाग जा रहा है पच्चीस बार पच्चीस में पांच का पाँच बार जाता है और ये हो जाएगा पाँच एकम पाँच तो इस तरह से पंद्रह हजार छः सौ पच्चीस के जो अभाज्य गुणनखंड है, ये हो जाएंगे हमारे छह बार पांच आया है पांच गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच, एक दो तीन चार पांच और ये छ छः बार पांच आया है अब हम इनके जोड़े बना लेंगे तीन तीन संख्याओं के तो यहाँ पर घनमूल हो जाएगा पंद्रह हजार छः सौ पच्चीस का गुणा पांच पंद्रह हजार छः सौ पच्चीस का जो घनमूल है वो हो जाएगा पचम पच्चीस दिया जाएगा इसका आंसर ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान है पर अधिकतर सभी बच्चे गलती कहां करते हैं ये जो प्रश्न हमें दिया है अक्सर बच्चे इसे गलत उतार लेते हैं तो सबसे पहले तो आप ये सावधानी रखें क्वेश्चन को आप दो बार चेक कर लें और फिर जब आप भाग दे रहे हैं तो इस संख्या का इसमें गुणा करके देख लीजिए तो ये वाली संख्या आ जाएगी इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक करते जाएं तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक एक के एक से लेकर पांच भाग आपको समझ में आ गए होंगे इसके बाकी के भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं तब के लिए टेक केयर